वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले फिजिक्स यानी कि बहुत ही विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में चल रहे कण का समय टी पर विस्थापन एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, कण का त्वरण होगा। आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन टाइम गिविंग बाय, इक्वेशन दी हुई है तो आपको त्वरण बताना है। तो सिंपल सी बात है, टू ए टू इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फोर। बट जो अगला क्वेश्चन है, पहले आपको बताना है उसका ऑप्शन और फिर हम उसका राइट ऑप्शन आपको बताएंगे। जैसे कि उष्मा गतिकी का पहला नियम, खाली जगह की एक विशेष परिस्थिति है, पृष्ठ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेशल केस ऑफ, चार्ल्स का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, बॉयल का नियम। देखो फिजिक्स में नियम रूल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, जितने भी लॉ इसमें दिए हुए ना वो। इससे क्या होगा, कोई भी अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो सीधा आप नियम अप्लाई करके भी उसको कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूले आपके इलेवंथ और ट्वेल्थ के, प्लीज़ एक नोटबुक में आप नोट कर ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इलेवंथ और ट्वेल्थ के जितने भी फिजिक्स के आपके फॉर्मूले ना, उनको एक पेज पे आप लिख सकते हो, एक नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपकी समझदारी है। और जितनी भी यूनिटें मात्रक वगैरह, इन जो बेसिक नॉलेज है, विमाएँ, तो उसको आप लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उष्मा गतिकी का पहला नियम की एक विशेष परिस्थिति की है, आई होप आपने चूज किया होगा वन ऑप्शन। किसी ने तो चार्ल्स का नियम किया होगा, किसी ने ऊर्जा संरक्षण का नियम, किसी ने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, किसी ने बॉयल का नियम। लेट मी चेक, राइट ऑप्शन है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उष्मा गतिकी का पहला नियम तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम की एक विशेष परिस्थिति है। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निर्भर करती है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड ऑन, प्रिज्म के आकार पर, इनमें से कोई नहीं, प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर, प्रिज्म के कोण पर। एक प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है डिस्पर्सिव पावर आपको बतानी है। प्रिज्म के आकार पर, इनमें से कोई नहीं, प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर, प्रिज्म के कोण पर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, प्रिज्म की सामग्री की प्रकृति पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब इस घटना पर आधारित है, द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद, इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद, मानव उत्कों का प्रतिचुंबकत्व या फिर नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। चार ऑप्शन को अच्छे से देखो, समझो, फिर डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज इतनी अच्छी होगी कि आपसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम करवा लो, टिक लगाना तो आएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नेक्स्ट, आधुनिक संचार तंत्र उपयोग करता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज, सम्मिलित रूप से एनालॉग और डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, एनालॉग सर्किट, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक संचार तंत्र उपयोग करता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम यूज, राइट ऑप्शन इज डिजिटल सर्किट। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल भी आते हैं थोड़े बहुत, थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल भी इसमें पूछा जाता है आपसे। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की आयनीकरण पावर का अनुपात है, रेशियो ऑफ आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, 1000:1,
100:1, 100:1, 100:1, 100:1000। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उत्सर्जित अल्फा और बीटा की आयनीकरण पावर का अनुपात होता है। सो इसका राइट ऑप्शन सिंपल सी बात है 100:1, 100:1। रेडियो एक्टिव से तो बनता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु, यहाँ से तो बनता है ठीक है। विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कुंडल की औसत व्यस्त शक्ति है, ऑप्शन आपके सामने 1/2 LI² 1/4 LI² 0 LI² राइट ऑप्शन इज 0। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सीधा कमेंट कर देना गाइज, आपका अपना चैनल है, उससे क्या होगा कमेंट पढ़ के हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, दो 4 माइक्रो कूलम्ब के आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर है, उनकी पारिस्थितिक स्थितिज ऊर्जा होगी 1.44 जूल, 1.08 जूल, 0.72 जूल या फिर 0.29 जूल। राइट ऑप्शन इज 0.29 जूल, ठीक है। और जैसा कि अगला क्वेश्चन है, हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है वही हम डिस्कस करेंगे। दो ध्वनि तरंगे जिनका कलांतर 60 डिग्री है, उनके बीच पतांतर होगा। टू साउंड वेव हैव फेज डिफरेंट ऑफ 60 डिग्री, देन दे विल हैव द पाथ डिफरेंट, आपको बताना है उसका पतांतर। और PDF के लिए बोला था, तो PDF फिजिक्स का जो PDF है, फिजिक्स के जो नोट्स के PDF है, हम आपको अपने फेसबुक, ठीक है, और इंस्टाग्राम यहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो आप। आई होप आपने चूज कर लिया होगा वो वन ऑप्शन, दो ध्वनि तरंगे जिसका कलांतर 60 डिग्री है, तो उसके बीच पतांतर होगा। रब कार्य में आप इसको रब में कर सकते हो, और वीडियो को पॉज करके आपका जो भी आंसर आता है यहाँ से मैच करा सकते हो। λ/3, λ/6, λ/3। राइट ऑप्शन क्या होगा, कर लिया ना सबने रब में, ईमानदार से कर लो, आपके फ्यूचर का मामला है, कैरियर का मामला है, देखो कोई लापरवाही नहीं चलेगी, है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की। कर लिया होगा सबने रब में, और उसके बाद यहाँ पर मैच भी किया होगा कि आपका क्या आंसर आया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका λ/6। आप क्या आया कि नहीं आया कमेंट करके बता सकते हो। एक ट्रायोड वाल में प्लेट सर्किट में धारा नियंत्रक होती है। इन ए ट्रायोड वाल द करंट इन द प्लेट सर्किट इन कंट्रोल्ड बाय, एमीटर द्वारा, ग्रिड द्वारा, कैथोड से या फिर एनोड से। एक ट्रायोड वाल में प्लेट सर्किट में धारा नियंत्रक होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रिड द्वारा। नेक्स्ट, और जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि हमारा GK MCQ MK चैनल है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिलती है, इसका लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसको भी फॉलो कर लेना ताकि दुगुना पोर्शन आपको मिल सके, एक तो इस चैनल से और एक इस चैनल से, इसका लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। यंग के डबल स्लिट प्रयोग में एक न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है जब सुपर इम्पोसिंग तरंगों का कालांतर हो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी ऑब्टेन व्हेन द फेज डिफरेंट ऑफ सुपरइम्पोज्ड वेव। राइट ऑप्शन इज 2N-1, 5। नेक्स्ट, किसी सेल के विद्युतीय वाहक बल यानी कि EMF को मापने के लिए वोल्टमीटर की तुलना में पोटेंशियोमीटर बेहतर है क्यों? पोटेंशियोमीटर के तार का उच्च प्रतिरोध होता है,
वोल्ट मीटर का डायल पोटेंशियोमीटर कम होता है। विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है। विभव मापी की संवेदनशीलता अधिक होती है। पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर इन मेजरिंग EMF ऑफ अ सेल ब्रेकआउट। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने भी चूज कर लिया होगा, विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है। ओके, विभव मापी बाह्य स्रोत से बिल्कुल भी धारा नहीं लेता है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और PDF लिंक।